साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेंगे। फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरीज और क्यों ये स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा पावरफुल होती हैं। इमेजिन कीजिए कि एक एलियन को अर्थ पर भेजा जाए। उसका काम हमारी इकोनॉमिक्स पर नजर रखना है। वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, इकोनॉमिक्स का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। 2007 की नए साल की इवनिंग पर वो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वो हजारों के नंबर्स में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्जवल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वो 2009 की नए साल की इवनिंग पर वापस टाइम्स स्क्वायर के पास आता है। वो हजारों के नंबर्स में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्जवल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। ये लगभग एक तरह ही लगता है, उसे ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता। वो लगभग उसी नंबर में न्यूयॉर्क निवासियों को एंजॉय करते देखता है। वे लोग सेम नंबर्स में ऑफिस की बिल्डिंग से घिरे हैं, जिनमें सेम नंबर्स में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं, जो सेम नंबर्स के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वो सेम नंबर्स में कारखाने और गोदाम देखता है, जो सेम हाईवे से जुड़े हैं और उन पर सेम नंबर्स में ट्रक चल रहे हैं। वो जमीन के कुछ और नजदीक जाता है और देखता है कि सेम यूनिवर्सिटी वही पढ़ा रहे हैं और उसी नंबर्स में विद्यार्थियों को सेम डिग्रियां प्रोवाइड कर रहे हैं। वो देखता है कि सेम नंबर्स में पेटेंट सेम ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया है। 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूमता है, जो 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज हो चुके हैं, कारों को अब बेहतर गैस माइलेज मिलता है, सोलर और फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो चुकी है, सोशल मीडिया तेजी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वो देश के ऊपर से उड़ता है, वो यही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर भी काफी हद तक उसी तरह की इकोनॉमिक्स लगभग उसी कंडीशन में है, शायद 2009 में 2007 की तुलना से बेहतर। वो ये कंक्लूजन निकालता है। फिर वो आंकड़ों पर नजर डालता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि US फैमिली 2007 की तुलना में 2009 में 16 ट्रिलियन डॉलर से गरीब हो चुके हैं। ये देखकर वो भौचक्का रह जाता है कि और 10 मिलियन अमेरिकन अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ये जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे कॉस्ट का रह गया है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के लिए प्रिडिक्शन इस तरह डूब चुका है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो कहता है। मैंने शहर देखे हैं, कारखानों को भी देखा। तुम लोगों के पास सेम नॉलेज, सेम टूल्स, सेम आइडियाज हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और पेसिमिस्टिक क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच एक ऐसा बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया। इकोनॉमिक्स के बारे में वे कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को हाउसिंग कीमतों की स्टेबिलिटी, बैंकर्स की इंटेलिजेंस और स्टॉक मार्केट की सटीक रूप से मेजरमेंट करने की कैपेबिलिटी की कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस एक यही चीज थी जो बदली, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब हाउसिंग कीमतों के बढ़ते रहने की स्टोरी का अंत हुआ, बैंकों ने काफी पैसे गवा दिए। फिर उन्होंने और बिजनेसेस को लोन देना बंद कर दिया, जिसके कारण और नौकरियां चली गई, और इसी तरह बहुत कुछ। एक नई स्टोरी से जुड़ने के बजाय हमारे पास आइडेंटिकल, अगर बेहतर नहीं, 2009 में वेल्थ और डेवलपमेंट की उतनी ही कैपेबिलिटीज थी जितनी 2007 में। फिर भी इकोनॉमिक्स ने 80 ईयर के टाइम फ्रेम में सबसे बुरी मार झेली। ये 1945 के जर्मनी से अलग था, जिसके मैन्युफैक्चरिंग बेस का नामोनिशान मिट गया था, या फिर 2000 के डिकेड के जापान से, जिसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत कम हो रही थी। वो रियल फाइनेंशियल नुकसान था। 2009 में हमने खुद पर स्टोरी का नुकसान थोप दिया, और ये अत्यंत मुश्किल था। ये सबसे प्रबल फाइनेंशियल ताकतों में से एक है। जब हम इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इन्वेस्टिंग और करियर के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, हम रियल चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या करने लायक हैं। लेकिन कहानियाँ इकोनॉमिक्स में सबसे पावरफुल फोर्स हैं। ये वो फ्यूल हैं जो इकोनॉमिक्स के रियल भागों को चलने दे सकती हैं, या वो ब्रेक जो हमारी कैपेबिलिटीज को रोक कर रखें। पर्सनल लेवल पर अपने मनी को मैनेज करते टाइम इस स्टोरी ड्राइवन वर्ल्ड में 2 ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी हैं। नंबर 1, जितना ज्यादा आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी ही संभावना है जो इसके सच होने की सर्टेनिटी को रियलिटी से ज्यादा सच बताती है। आपकी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉरएवर नाम के एक डॉक्यूमेंट्री ने यह सीधा साधा सवाल एक 100 वर्षीय से पूछा, जिसने बहुत ही वंडरफुल जवाब दिया। युद्ध विराम दिन, उन्होंने कहा, 1978 के उस समझौते को हवाला देते हुए जिसने पहले वर्ल्ड वॉर को समाप्त किया। क्यों? क्रिएटर ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और वॉर नहीं होंगे, वो बोली। 27 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसीलिए सच समझते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरीज कहता हूँ। वेल्थ को लेकर हमारी सोच को ये विशाल रूप से प्रभावित करती हैं, खासकर इन्वेस्टिंग और इकोनॉमिक्स को। एक फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरी तब जन्म ले जब आप होशियार हों। आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको लिमिटेड कंट्रोल और बड़े दाव का सामना करना पड़े। वे अत्यंत पावरफुल होती हैं। वे आपको कुछ भी मान लेने पर मजबूर कर सकती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। अली हजाजी का बेटा बीमार था। उनके येमिनी गांव के बुजुर्गों ने एक लोक ट्रीटमेंट की सलाह देते हुए कहा, एक जली हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे की छाती में डालकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रक्रिया के बाद हजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, जहां आपके पास पैसा ना हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे।
मेडिसिन्स उपयोगी मेडिसिन से हजारों साल पुरानी हैं। साइंटिफिक मेथड्स और कीटाणुओं की खोज से पहले ब्लड लेटिंग स्टारवेशन थेरेपी शरीर में छेद करके खराबियों को बाहर निकालना और इलाज किए जाते थे, जो और कुछ नहीं बस आपको जल्दी ही मृत्यु तक पहुंचा देते थे। ये बेवकूफ़ी भरा सुनाई देगा, लेकिन अगर आप बुरी तरह से समाधान चाहते हैं और कोई अच्छा समाधान आपको पता नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस का रास्ता हजाजी के लॉजिक की ओर है। कुछ भी मान लेने की विलिंगनेस सिर्फ कुछ आजमाना नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना। लंदन की ग्रेट प्लेग को डिस्क्राइब करते हुए डेनियल डेफो ने 1722 में लिखा, लोग भविष्यवाणी, सपनों और पुरानी कहानियों से पहले से कहीं ज्यादा एडिक्ट हो चुके थे। पंचांग उन्हें बुरी तरह भयभीत कर देते थे। घरों के पोस्ट और गलियों के नुक्कड़ों पर डॉक्टर के बिल और अज्ञानी लोगों के पर्चे चिपके रहते थे। नीम हकीम जो लोगों को इलाज के लिए कुछ इस तरह न्योता दिया करते थे, प्लेग के रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, इन्फेक्शन के लिए कभी ना चूकने वाले प्रिजर्वेटिव्स। प्लेग ने 18 महीने के टाइम फ्रेम में 1/4 लंदन निवासियों की जान ले ली, और जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जरा सोचिए, सेम रूप से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और ऊंचे दांव हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी पर इन्वेस्टिंग कमेंट्री क्यों सुनते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद ही वो कभी सक्सेसफुल होती हैं। कुछ हद तक इसलिए कि इन्वेस्टिंग में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। कुछ सही स्टॉक खरीदने से आप बिना ज्यादा अटेम्प्ट के अमीर बन सकते हैं, अगर किसी के प्रेडिक्शन के सच होने की 1% पॉसिबिलिटी भी है, और इसके सच होने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस पर ध्यान देना बेवकूफ़ी तो नहीं है, अगर सच हो ही जाए तो। और फाइनेंशियल अभिमत इतने ज्यादा हैं कि एक बार आपको स्ट्रेटजी या डायरेक्शन चुन ले, आप फाइनेंशियल और मानसिक दोनों तरह से उसमें निवेशित हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वो आपका ड्राइव है। अगर आप सोचते हैं कि कोई फाइनेंशियल नीति बेलगाम महंगाई का कारण बनेगी, वो आपका ड्राइव है। ये कम संभावना वाले दाव हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि दर्शक कम सर्टेनिटी जैसे 1% को जांच नहीं सकते या फिर नहीं जांचते। कई इस मजबूत आइडिया पर आकर टिक जाते हैं कि जिसे वो सच होते देखना चाहते हैं वो निसंदेह रूप से सच है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े रिजल्ट की संभावना है। इन्वेस्टिंग सिर्फ एक ऐसा फील्ड है जो डेली एक्सट्रीम रिवॉर्ड के चांसेस प्रोवाइड करता है। लोग फाइनेंशियल क्वैकरी में इस तरह विश्वास रखते हैं जैसे वो मौसम की क्वैकरी में कतई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सही प्रिडिक्शन लगाने के रिवॉर्ड और धूप या बारिश के प्रिडिक्शन के रिवॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। अब यही देखिए कि 2018 में खत्म होने वाले 10 साल के 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क से खराब परफॉर्मेंस दी। ये आंकड़ा कई पीढ़ियों तक काफी हद तक स्थिर रहा। आप सोचेंगे कि इतने खराब परफॉर्मेंस वाली इंडस्ट्री कोई आला सेवा होगी जो बिजनेस में नहीं टिक पाई, लेकिन इस फंड में कम से कम $5 trillion इन्वेस्टेड है। किसी को अगले वॉरेन बफेट के साथ इन्वेस्टिंग करने का अवसर दीजिए और वे इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी सेव्ड कैपिटल इसके पीछे लगा देंगे। हिंट साइड में उनकी पोंजी स्कीम ऑब्वियस होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसे रिवॉर्ड रिपोर्ट किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया, और मैडोफ ने इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया कि वे रिवॉर्ड कैसे हासिल किए गए थे। फिर भी मैडोफ ने वर्ल्ड के कुछ सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से कई $1 billion जुटाए। मैडोफ ने एक अच्छी कहानी सुनाई और लोगों ने उस पर विश्वास किया। आप जिसे सच होते देखना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या होने की जरूरत है, इनके बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आप खुद को इन फैसिनेटिंग फाइनेंशियल स्टोरीज का शिकार होने से बचा पाएंगे। किसी प्रिडिक्शन में एरर के लिए जगह के बारे में सोचते हुए ये थॉट अट्रैक्टिव हो सकता है कि पोटेंशियल रिजल्ट्स आपके कुछ सही होने से आपके बहुत बहुत सही होने के बीच ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप किसी बात को इतनी बुरी तरह से सच होते हुए देखना चाहें कि आपके प्रिडिक्शन का कांटा रियलिटी के दायरे से बिल्कुल ही बाहर हो। 2007 की अपनी आखिरी सभा में फेडरल रिजर्व ने 2008 और 2009 में होने वाली फाइनेंशियल वृद्धि का प्रिडिक्शन लगाया। पहले से कमजोर होती इकोनॉमिक से निढाल ये प्रिडिक्शन ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। इसने पोटेंशियल इंक्रीज की एक रेंज का प्रिडिक्शन लगाया, 1.6% इंक्रीज निचले सिरे पर, 2.8% ऊपरी सिरे पर। ये इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी इसके एरर की जगह। रियलिटी में इकोनॉमिक्स 2% से ज्यादा कम हो गई, जिसका मतलब ये था कि फेड के निचले सिरे का अनुमान लगभग 3 गुना से ऑफ था। किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए ऑब्वियस रिसेशन का प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि रिसेशन उनके करियर को जटिल बना देगी। इसीलिए सबसे बुरी प्रिडिक्शन भी शायद ही कभी धीमी ग्रोथ से और खराब की एक्सपेक्टेशन करते हों। ये एक फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरी है और इस पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि कुछ भी ज्यादा खराब होने की एक्सपेक्टेशन का थॉट भी पेनफुल होता है। पॉलिसी मेकर क्रिटिसिज्म का आसान निशाना होते हैं, लेकिन हम सभी किसी ना किसी हद तक ऐसा करते हैं, और हम ये दोनों डायरेक्शंस में करते हैं। अगर आपको लगता है कि रिसेशन आने वाली है और इस एंटिसिपेशन में आप अपने स्टॉक बेच देते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर आपका वोट अचानक से उसके अकॉर्डिंग जाएगा जो आप चाहते हैं कि हो, हर ब्लिप हर किस्सा कयामत के आ जाने के संकेत जैसा दिखेगा। इसलिए नहीं कि कयामत आ चुकी है, बल्कि इसीलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो, या एटलीस्ट ऐसा सोचते हैं कि होगा। इंसेंटिव्स पावरफुल मोटिवेटर्स होते हैं, और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये किस तरह हमारे फाइनेंशियल गोल्स और नजरियों को प्रभावित करते हैं। इस बात पर और ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। फाइनेंस में एरर की जगह से बड़ी कोई पावर नहीं है, और जितना ज्यादा दांव पर लगा हो उतना ही बड़ा ये होना चाहिए। हर किसी का दुनिया का व्यू अधूरा होता है, लेकिन हम उस खालीपन को भरने के लिए पूरी स्टोरी बना लेते हैं। मेरी बेटी 1 साल की है। वो हर बात को लेकर जिज्ञासु है और बहुत जल्दी सीख जाती है, लेकिन कभी कभी मैं उन सारी बातों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें वो नहीं समझ सकती।
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके पिता हर सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, करियर, सक्सेस, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स इत्यादि वो पूरी तरह से अज्ञात है। जरा इमेजिन कीजिए कि उसे फेडरल रिजर्व, क्रेडिट डेरिवेटिव्स या नाफ्टा के बारे में समझाने की कोशिश की जाए, इम्पॉसिबल। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है, वो भ्रमित होकर यहाँ वहाँ नहीं घूमती। हर चीज़ कैसे काम करती है, एक साल की एज में भी उसने इसकी स्टोरी अपने माइंड में लिख ली है। कंबल आपको गर्म रखते हैं, माँ का आलिंगन आपको सुरक्षित रखता है, खजूर का स्वाद अच्छा होता है। जो भी वो देखती है वो उसके कुछ एक मेंटल मॉडल्स में से किसी एक में फिट हो जाता है जो उसने सीखे हैं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ वो भ्रमित होकर ये नहीं सोचती कि सैलरी और बिल क्या होते हैं। उसके पास इस कंडीशन का एकदम क्लियर जवाब है, पापा मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं और मैं चाहती थी कि वे मेरे साथ खेलें, इसीलिए मैं दुखी हूँ। हालांकि वो बहुत थोड़ा जानती है लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसे लेकर वो अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बेस पर खुद को एक स्ट्रक्चरल कहानी सुना लेती है। हम सब भी, चाहे हमारी एज कितनी भी हो, ऐसा ही करते हैं, ठीक मेरी बेटी की तरह। मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, इसीलिए अपने लिमिटेड मेंटल मॉडल से दुनिया के बारे में समझने में मैं भी बस उतना ही लायक हूँ। उसी की तरह मैं जो भी देखता हूँ मैं उसके सबसे ज़्यादा समझ में आने वाले कारणों को ढूंढता हूँ, और उसी की तरह मैं उनमें से काफ़ी के बारे में गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के बारे में इससे बहुत कम जानता हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। ये ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट के लिए भी सच है। हिस्ट्री को ही लीजिए, ये उस सबका ब्यौरा है जो पहले ही घट चुका है। इसे क्लियर और सब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जैसा बी एस लिडल हार्ट ने अपनी बुक वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री में लिखा, हिस्ट्री को इमेजिनेशन और इंट्यूशन की हेल्प के बिना नहीं समझा जा सकता। प्रमाणों का टोटल अमाउंट इतना ज़्यादा है कि चयन डिफिकल्ट हो जाता है। जहाँ चयन होता है वहाँ कला होती है। जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो खोजने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें सही ठहरा सके और उनके पर्सनल मतों की पुष्टि कर सके। वे लॉयल्टीज को डिफेंड करते हैं, वे सपोर्ट करने या अटैक करने के गोल से पढ़ते हैं। वो इनकन्वीनियंट ट्रूथ का रेजिस्टेंस करते हैं, क्योंकि हर कोई फरिश्तों के फेवर में रहना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे हम वॉर का अंत करने के लिए वॉर शुरू करते हैं। डेनियल कहानीमैन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जो लोग पास्ट का मतलब समझाने के लिए खुद को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, हिंडसाइट, पास्ट का मतलब समझाने की कैपेबिलिटी हमें इस भ्रम में रखती है कि वर्ल्ड अंडरस्टैंडेबल है। यह हमें इस भ्रम में डाले रखती है कि वर्ल्ड मीनिंगफुल है, तब भी जब इसका कोई अर्थ नहीं बनता, और ये कई क्षेत्रों में गलतियां करने के लिए काफी है। ज्यादातर लोग किसी ऐसी चीज के सामने होने पर जिसे वे नहीं समझते, ये नहीं बूझ पाते कि वे इसे नहीं समझते, क्योंकि वे वर्ल्ड में अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस के बेस पर इनका कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं जो उन्हें मीनिंगफुल दिखाई पड़ता है, फिर चाहे वो एक्सपीरियंस कितने ही लिमिटेड क्यों ना हो। ये जटिल दुनिया जिसमें हम रहते हैं, हम सभी इसमें मीनिंग खोजना चाहते हैं, इसीलिए हम खुद को कहानियां सुनाते हैं ताकि उन वॉइड्स को भरा जा सके जो इफेक्टिव रूप से ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ये कहानियां फाइनेंशियल रूप से हमारे साथ क्या कर सकती हैं, ये दिलचस्प होने के साथ साथ डरावना भी है। दुनिया कैसे काम करती है, अगर मैं इसके कुछ हिस्सों से अनजान हूँ तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मैं इसे कुछ इस तरह से गलत समझ सकता हूँ कि मुझे फ्यूचर जानने की अपनी कैपेबिलिटी में विश्वास हो जाए। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक्स का प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आप ही हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप ऐसे कारणों से डिसीजन लेते हैं जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकता, मैं ब्लाइंडली एक ऐसा डिसीजन लेने में आपको कॉपी कर सकता हूँ जो आपके लिए भले ही ठीक हो लेकिन मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने चैप्टर 16 में देखा, बबल्स बिल्ड होते हैं। आप कितना कुछ नहीं जानते, इस बात को मानने का मतलब ये मानना भी है कि दुनिया में होने वाला कितना कुछ है और ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। मार्केट अजम्पशंस के बारे में सोचिए, हम प्रिडिक्शन करने में बहुत बहुत खराब हैं। मैंने एक बार हिसाब लगाया कि अगर आप ये मान लें कि मार्केट हर साल अपने हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर जाता है, आपकी यथार्थता उससे बेहतर होगी अगर आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के टॉप 20 मार्केट स्ट्रेटजीज के एवरेज एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉलो करें। मंदियों का प्रिडिक्शन लगाने की हमारी कैपेबिलिटी भी कुछ खास बेहतर नहीं है, और चूंकि बड़ी इवेंट्स एकाएक हो जाती हैं, प्रिडिक्शन बेनिफिट से ज्यादा हानि कर सकते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में कंफर्मेशन का चकमा देकर जहां ज्यादातर रिजल्ट सरप्राइजिंग घटनाओं से कंट्रोल होते हैं। कार्ल रिचार्ड्स लिखते हैं, रिस्क वो है जो तब बचा रह जाता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब सोच लिया। लोग ये जानते हैं, मैं आज तक ऐसे इन्वेस्टर से नहीं मिला जो वाकई ये सोचता हो कि मार्केट के प्रिडिक्शन पूरे के पूरे ठीक और उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी अजम्पशंस की मांग बहुत ज्यादा है, मीडिया में भी और फाइनेंशियल सलाहकारों के बीच भी। क्यों? साइकोलॉजिस्ट फिलिप टेटलॉक ने एक बार लिखा, हमारे लिए ये मानना जरूरी है कि हम एक प्रिडिक्टेबल और कंट्रोलेबल वर्ल्ड में रहते हैं, इसलिए हम अथॉरिटिव सुनाई देने वाले लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो इस जरूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। उस जरूरत को पूरा करना ये समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कंट्रोल में होने की चाह रखना एक इमोशनल खुजली की तरह है जिसे खुजलाना ही पड़ता है, बजाय एक प्रॉब्लम के जिसका हिसाब लगाया जाए या समाधान निकाला जाए। कंट्रोल का भ्रम अनसर्टिनिटी की रियलिटी से ज्यादा फेथफुल होता है, इसलिए हम ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं जो रिजल्ट्स को हमारे कंट्रोल में बताएं। इसका एक कारण प्रिसीजन के क्षेत्रों और अनसर्टिनिटी के क्षेत्रों के बीच कन्फ्यूज हो जाना है। नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट 2 साल पहले प्लूटो के पास से गुजरा, एक 3 बिलियन मील की यात्रा जिसमें 9.5 साल लगे। नासा के अकॉर्डिंग इस यात्रा में जनवरी 2006 में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के टाइम किए गए प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 1 मिनट कम लगा। जरा इस बारे में सोचिए,
एक अनटेस्टेड डिकेड भर की यात्रा में नासा का प्रिडिक्शन 99.99998% ठीक था। ये ठीक ऐसा ही है जैसे न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच की यात्रा के बारे में प्रिडिक्शन लगाना और एक सेकंड के 4 मिलियन हिस्से तक सही निकलना। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स प्रिसीजन का फील्ड है, ये फाइनेंस की तरह मनुष्यों के बिहेवियर और इमोशंस की इरेगुलरिटी से प्रभावित नहीं होता। बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टिंग अनसर्टेनिटी के फील्ड हैं, जो ऐसे डिसीजन से ड्राइवन होते हैं जिन्हें प्लूटो की यात्रा जैसे क्लियर फॉर्मूला से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन हम बुरी तरह से चाहते हैं कि ये प्लूटो की यात्रा की तरह हो, क्योंकि एक नासा इंजीनियर का रिजल्ट पर 99.99998% कंट्रोल का थॉट ब्यूटीफुल और कंफर्टिंग है। ये इतना आरामदायक है कि हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाने के लिए ललचा जाते हैं कि हमारी जिंदगी के और हिस्सों जैसे पैसे पर हमारा कितना कंट्रोल है। कहानीमैन ने एक बार इन कहानियों से किए जाने वाले रास्ते का निरूपण किया। स्कीम बनाते हुए हम बस इस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, अन्यों की स्कीम्स और स्किल को अनदेखा करते हुए जिनके डिसीजन हमारे रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। पास्ट का स्पष्टीकरण देते हुए और फ्यूचर का प्रिडिक्शन लगाते हुए हम स्किल के कैजुअल रोल पर ध्यान देते हैं और लक की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते उसे अनदेखा कर देते हैं, जो हमारे आइडियाज़ में कॉन्फिडेंस भर देता है। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे ये बिजनेस को प्रभावित करता है। मुझे इनोवेटिव स्टार्टअप्स के फाउंडर और पार्टिसिपेंट से ये क्वेश्चन करने के कई चांसेस मिले हैं। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट किस हद तक इस पर डिपेंड करेगा कि आप कंपनी में क्या करते हैं। निसंदेह रूप से ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आंसर तुरंत ही आ जाता है और ये कभी भी 80% से कम नहीं रहा है। जब उन्हें ये भी कंफर्म रूप से पता नहीं होता कि वे सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये निडर लोग मान लेते हैं कि उनका लक लगभग पूरी तरह से उनके ही हाथों में है। वे कंफर्म रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उसके कॉम्पिटिटर्स के अचीवमेंट और मार्केट में होने वाले बदलाव पर भी उतना ही डिपेंड करता है जितना उनके खुद के एफर्ट्स पर। फिर भी एंटरप्रेन्योर स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहते हैं जिसे वो अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे उनकी स्कीम और कार्यवाही और सबसे नज़दीक के खतरे के अवसर जैसे फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी। वे अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में कम जानते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिनेशन करने लगते हैं जहाँ कॉम्पिटिशन की कोई खास भूमिका ना हो। कुछ हद तक हम सभी ऐसा करते हैं और ठीक मेरी बेटी की तरह ये हमें ज़रा भी परेशान नहीं करता। हम थॉटलेस और कन्फ्यूज होकर नहीं रहते। हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो मीनिंगफुल है। अगर आपको ऐसा नया एक्सपीरियंस हो तो हर सुबह बेड से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अर्थ के ऊपर मंडराता वो एलियन, वो जिसे विश्वास है कि वो जो देखता है उसके बेस पर वो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत साबित होता है क्योंकि वो नहीं जान सकता कि और लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियाँ चल रही हैं। वह हम सब हैं।